मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का टारगेट बिथालोक चैनल पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैथ्स की क्लास हम लोग जो है जिसमें एक शेड्यूल एक सीक्वेंस आपको दिया जा रहा था उस पर हमारी आज की क्लास का शेड्यूल है। आपको शेड्यूल के बारे में जानकारी दे दी गई होगी और उस शेड्यूल में हम लोगों ने मैथ्स का जो भी पोर्शन कंप्लीट किया है, जैसे हमने एडवांस मैथमेटिक्स स्टार्ट करी थी आपकी, तो एडवांस मैथमेटिक्स में हम एक एक टर्म को आपका क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आज की ये क्लास जो पिछला कुछ कराया गया है उसी के आगे का पोर्शन है। आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ स्पष्ट होती चली जाएगी, हर फिगर आपके जहन में आता चला जाएगा। तो मेंसुरेशन में 3D फिगर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। 3D फिगर के इंट्रोडक्शंस को आपने देखा था, आपने क्यूबाइड देखा था, कोन देखा था, क्यूबाइड देखा था, क्यूब देखा था, सिलेंडर देखा था। आज की यह क्लास आपके सिलेंडर के बाद के टॉपिक पे है, जिसको हम लोग यहाँ पे जनरली कोन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं। कोन का पूरा इमेज आपके दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, डालने की कोशिश करेंगे, कैसे कोन होता है, क्या होता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में आपको कोन का कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसके एडवांस फॉर्म्स प्रक्टम को भी हम लोग आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब छिन्नक भी आज का आपको समझाएंगे। आप कोई भी एक दूसरी परीक्षा देते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, या जनरली किसी ना किसी फिगर में मर्ज क्वेश्चन आता है तो मतलब आप शंकु को छिन्नक को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आपको इसके पूरे अप्रोच को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आप किसी हाई लेवल के एग्जाम की बात सोच सकते हैं। तो मेरी बात को अच्छी तरह से समझिएगा, हम इसको कई तरह से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कोन को रियलाइज आपको कराना चाहूंगा कि कोन एक्चुअली आपने देखा कहाँ पे है। आपने देखा होगा जब कभी मेले में जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे तंबू लगे होते हैं, खासकर माघ मेले में तो ऐसा हम लोगों ने देखा ही होगा कि तंबू लगा होता है। तो तंबू में आपने नोटिस किया होगा किस तरह का कपड़े का एक सिस्टम होता है, नीचे सर्कुलर बेस होता है, मतलब वृत्ताकार हमारे पास जमीन होती है, सतह होती है, उसी पर ऐसे कुछ स्लैंट, मतलब सीधा नहीं, स्लैंट मतलब ऐसे तिरछा उठा करके कहीं पे एक जगह पॉइंट कर दिया जाता है, तो उसे हम शंकु कहते हैं। आपने आइस कोन देखा होगा, मतलब जब आप कभी आइसक्रीम परचेज करते होंगे तो कोन की एक आइसक्रीम आती है, तो उसमें आप देखे होंगे तो एक वर्टेक्स होता है, इस प्रकार से आता है, तो यहाँ पे फिलर होता है, फिल किया जाता है। आप बर्थडे कैप देखते होंगे, जोकर की कैप देखते होंगे, तो तमाम इन सब परिस्थितियों में आप कोन को रियलाइज कर चुके हैं। मतलब ये सब तो जनरल एग्जाम्पल है जो हम लोग बचपन में और तमाम जगह पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करते रहते हैं। टेक्निकली भी मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, तो आप टेक्निकल भी समझिएगा और जनरल भी समझिएगा, तो हम आपको दोनों स्थितियों को समझाने जा रहे थे। मैंने आपको बताया कि सतह पर मतलब प्लेन पर एक वृत्त बना लीजिए, कुछ ऐसे वृत्त एक बना लीजिए और वृत्त के इन दीवालों को ऐसे रख दीजिए कुछ यहाँ पे, और ऐसे ही कुछ उठा करके लाइए और यहाँ कहीं पे पॉइंट कर दीजिए, तो जो फिगर का निर्माण हुआ वो हमारे लिए शंकु है। अच्छा, जब शंकु पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका पिरामिड भी क्लियर होगा। आप जब आगे चल करके हम आपको पिरामिड बताएंगे तो शंकु के ही अप्रोच पर पिरामिड पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको भी समझना यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। तो सतह हमारे पास एक प्लेन है, एक हमारे पास समतल सतह है, उसके हम बिंदुओं पर मतलब उसकी बाउंड्री पर उसकी दीवालों पर एक ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट कर करके कुछ यहाँ पे दीवालों को बना करके स्लैंट मतलब तिरछा लाकर हम यहाँ पे कहीं पे मिला देते हैं, मतलब किसी बिंदु पर मिलाते हैं, जिस फिगर का निर्माण होता है उसको हम लोग शंकु कहते हैं। जनरल वे में शंकु को हम कुछ इस प्रकार से आपको समझाते हैं, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे अगर हमने एक सिलेंडर सोचा, मतलब एक हम लोग एक सिलेंडर सोचे, आपने मैंने सिलेंडर पढ़ा है सबसे पहले, तो सिलेंडर हम लोग कुछ ऐसे बनाते थे। हमने कहा कि जमीन पर एक सर्कल है और इस सर्कल के दीवालों से हम उठाते हुए एक दीवाल उठा दें, मतलब इस तरह से कर्व फेस में उठा दें और ऊपर फिर से एक सर्कल रख दें, तो हमारे पास एक जिस आकृति का निर्माण होता था उसको हम लोग यहाँ पे बेलन कहते थे या सिलेंडर कहते थे। इसकी अपनी एक त्रिज्या होती थी, आपको पता है इसकी अपनी एक त्रिज्या होती थी और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर ऊंचाई होती थी। अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में यहाँ से क्या काम करें कि यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ले जाएं, यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ले जाएं, बाकी सबको हटा दें, बाकी सब काट करके निकाल दें, तो जो फिगर आपके सामने अब बनेगा आप नोटिस कर सकते हो इस फिगर के बारे में, यहाँ सोच सकते होंगे, जो फिगर आपका बन करके आया वह फिगर आपका एक शंकु कहलाया, वह फिगर एक आपका शंकु कहलाया। तो आप शंकु को नोटिस कर सकते हैं, मतलब इसकी त्रिज्या वही बन गई जो वहाँ पे थी। यहाँ पे आपने एक बिंदु को नोटिस किया, मतलब ऊपर एक सतह नहीं होती, केवल वर्टेक्स होता है, एक पॉइंट होता है, ये उस जैसे उसकी ऊंचाई थी वैसे इसकी भी ऊंचाई थी, जैसे इसमें भी आधार की त्रिज्या थी वैसे इसमें भी आधार की त्रिज्या है, क्योंकि आधार एक वृत्त है। तो इस प्रकार से जो फिगर बना हमारे सामने एक क्या बनकर आया, हमारे सामने एक शंकु बनकर आया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिलेंडर होता है मतलब जो बेलन होता है, बेलन के दो तिहाई हिस्से को हटा दिया जाए तो बेलन का जो एक तिहाई हिस्सा होता है, बेलन का जो एक तिहाई हिस्सा होता है वही आपका शंकु होता है। अगर हम इसके पूरे स्पेस की बात करें, एक तिहाई हिस्सा शंकु होता है।
एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसको आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक जनरल बेलन बना दिया जाए, उस बेलन को हम शंकु बनाना चाहते हैं, तो बेलन के दो तिहाई हिस्से को काट कर निकाल दीजिए तो हमारे पास जो एक तिहाई हिस्सा बचता है उसी को हम शंकु कहते हैं। जनरल वे में शंकु और सिलेंडर लगभग एक ही तरह का फिगर बना। यहाँ पे चीजें आप देख रहे थे कि इस तरह का एक सीधा अप्रोच बनकर गया था, मतलब एक बेस और बनाना था तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया गया था, मतलब एक आयताकार सतह को लेकर के रिवॉल्व किया गया था। जबकि अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु को हम कुछ इस प्रकार से रीड करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, हर बात को यहाँ पे कैच करिएगा, हर बात को सीखने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद आशा है कि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आज की इस क्लास को करने के बाद। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज नोटिस करिए, एक समकोण त्रिभुज नोटिस करिए तो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज की स्थिति क्या होती है। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, आपको पता है कि एक आधार होता है, एक ऊंचाई होती है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर, ऊंचाई और आधार के बीच एक समकोण बना होता है और एक लाइन होती है जिसको हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। अब इस ऊंचाई को या कभी कभी आधार को या कभी कभी इस हाइपोटेनस को भी अगर हम एक एक्सिस बना लें, एक अक्ष बना लें, हिंदी में इसको अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सिस बना लें, एक्सिस बना लें और इसके अराउंड इसको रिवॉल्व करा दें, मतलब घुमा दें, इसके अराउंड इसको रिवॉल्व जब कराएंगे तो ये घूम जाएगा और घूम करके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए जितना इधर है उतना ही आपको पता है कि इधर भी आकर के मिलेगा, ऐसे घूम जाएगा। तो घूम गया मतलब यहाँ पे जो स्लैंट हाइट थी ये पूरी तरह से ऐसे रिवॉल्व यहाँ पे राउंड में करेगी और ऐसे ही एक लाइन हम लोग यहाँ भी कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे थी वैसे एक लाइन यहाँ पे कंसीडर करें, जैसे त्रिज्या यहाँ पे थी वैसे ही त्रिज्या यहाँ पे भी नोटिस किया जाएगा, यहाँ पे भी नोटिस किया जाएगा, मतलब इस समय एक सर्कुलर पाथ हम लोग सोच सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। तो मतलब आपको अगर डिफिनीशन देनी है किसी को तो अब बताएंगे किसी आयता किसी एक समकोण त्रिभुज, इसको एक्चुअली राइट सर्कुलर कोन कहते हैं इंग्लिश में, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, जैसे मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करी थी वैसे इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। मतलब एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई को एक्सिस मतलब आधार बना करके अगर उसके अक्ष को यहाँ पे घुमाया जाए, मतलब उसके सतह को घुमाया जाए, तो जिस आकृति का निर्माण होता है वह एक थ्री डायमेंशनल आकृति होती है और उस आकृति को हम एक शंकु कहते हैं। इसको हमने अभी आधार माना है तो कभी कभी आप इसको लेकर के रिवॉल्व कर देते हैं, जैसे अगर इसको हम लेकर के रिवॉल्व कर दे तो उसी हिसाब से फिर से एक फिगर का निर्माण होगा। आप इसको भी लेकर के रिवॉल्व करके फिर भी एक फिगर का निर्माण कर सकते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, अप्रोच सबका लगभग एक ही तरह का होता है, क्योंकि जो नीचे की सतह बनी वो सतह एक वृत्त है तो वृत्त की सारी परिस्थितियों को फॉलो करेगी, मतलब वृत्त की अपनी एक त्रिज्या होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से वृत्त है और वृत्त की अपनी एक त्रिज्या है, क्योंकि हम यहाँ पे वृत्त का केंद्र देख रहे हैं, ये वृत्त का केंद्र है और एक जगह पर पॉइंट हुआ है जो आपकी सबसे बड़ी लेंथ को दर्शा रही है। तो केंद्र से इस पॉइंट की दूरी को जिसको हम लोग यहाँ पे शंकु का वर्टेक्स कहते हैं, बिंदु कहते हैं, शंकु का बिंदु या वर्टेक्स हम लोग इसको कहते हैं, इस बिंदु से केंद्र बिंदु की जो दूरी होती है उसको हम लोग हाइट या ऊंचाई कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे हाइट कह रहे हैं या हम लोग इसको ऊंचाई कह रहे हैं। एक ऊंचाई आपकी और बन गई जो सीढ़ी लगाने से ऊंचाई बनती है, जिसको स्लैंट हाइट कहते हैं। जब आप दीवार पे कोई सीढ़ी लगाते हैं तो जिस ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे जनरल ऊंचाई एकदम पूरी तरह, जैसे मैंने ऊंचाई के बारे में आपसे डिस्कस कभी किया होगा कि ऊंचाई को हम उस लाइन को मानते थे जो जाके सीधा समकोण बनाती थी, लेकिन एक ऊंचाई ऐसी भी होती है जब आप कभी अपने दीवार पर सीढ़ी लगाते हैं, बांस की सीढ़ी लगाते हैं, तो उस समय जो सीढ़ी की जो लंबाई होती है उसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, उसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। याद रखिएगा इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और इस ऊंचाई को अगर हम नोटिस करें, हमने जनरली इसको यल बोल दिया, अगर सपोज करिए तो यल की वैल्यू को अगर हम काउंट करना चाहें तो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरी तरह से समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो यल बनेगा जिसको हम लोग यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, वो पूरी तरह से समकोण त्रिभुज के अप्रोच को फॉलो करेगा और इसका पूरा मान अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। आप समकोण त्रिभुज की स्थिति को समझ सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग अगर रूट के अंदर लिख दिया जाए तो उसी को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल कहते हैं। तो आपके पास तिर्यक ऊंचाई तो बन के आ गई। अब तिर्यक ऊंचाई अगर बनकर आई तो इसमें और भी परिस्थितियों को हमें रीड करना जरूरी होता है, जैसे क्या क्या समझना जरूरी है इसको समझिए। सबसे पहली चीज तो हमको जरूरत पड़ेगी जब तंबू हम बनाएंगे, तो तंबू बनाया किससे जाता है, तंबू एक टेम्परेरी हट होती है, आपको पता होगा, जिसको हम जब चाहते बना लेते हैं, जब चाहते हटा देते हैं, मतलब जनरली यह कपड़े की बनती है। कपड़े की बनती है तो कपड़ा आपको परचेज करना पड़ेगा। आप दुकान पे तंबू बनाने के लिए जब कपड़ा मांगने जाएंगे तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपके तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, मतलब दीवालों का क्षेत्रफल क्या है।
हमको पता है कि दीवारें हमारी समतल में नहीं है, सीधी नहीं है, ऐसे कुछ उठी हुई हैं। तो हमसे उस दुकानदार ने पूछा कि आपको हम कपड़ा तो दें, लेकिन कपड़े के लिए आपको उस तंबू के वक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को बताना पड़ेगा। मतलब हमको इस चीज को, तब हम मेरे दिमाग में चलेगा कि वक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे उस दीवार का ही क्षेत्रफल होगा, छत का, फर्श का तो क्षेत्रफल होगा ही नहीं। फर्श तो यहाँ पे हमारे पास जमीन ही रहेगी, क्योंकि तंबू है तो तंबू के नीचे, आपको पता होगा अगर तंबू में आप लोग रहे हैं या गए हो तो आपको एहसास होगा कि तंबू में नीचे तो कपड़ा लगता नहीं है। मतलब केवल वक्त पृष्ठ की अगर बात करी जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे, पहली कंडीशन मैंने आपको नोट कराया कि यहाँ पे स्लैंट हाइट क्या होती है। दूसरी चीज हम लोग आपसे बात करने जा रहे हैं, इसका CSA क्या होगा, जिसको हम इंग्लिश में कर्ड सरफेस एरिया कहते हैं। हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया हमसे दुकानदार ने पूछा, हम मतलब इसकी जरूरत क्या है, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसकी जरूरत मतलब कपड़े का वह क्षेत्रफल जो आप लेकर के तंबू बनाना चाहते हैं, तो वह कर्ड सरफेस एरिया होगा जिसमें आधार को छोड़ दिया जाएगा, मतलब सर्कल को छोड़ दिया जाएगा, जो मेरे पास कपड़ा लगेगा उसी की एरिया की बात की जा रही है। अब उसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो फार्मूला तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि πRL होता है, πRL होता है, और जो भी यूनिट दी रहेगी उस यूनिट का स्क्वायर होगा। जो भी यूनिट मतलब अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर होगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा, जो भी यूनिट रहेगी उस यूनिट का हम वर्क कर देंगे। तो πRL यहाँ पे हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि एक्चुअली कर्ड सरफेस एरिया को हम जब क्यूबाइट पढ़ते थे तो हमने वहां पे आपको बताया था लैटरल सरफेस एरिया, चारों दीवालों का क्षेत्रफल। ऐसी स्थिति क्यों बनती थी और वहां पे क्या होता था कि दीवाल में हम क्या करते, जब किसी घर को तो हम लोग यहाँ पे क्यूबाइड या क्यूब की तरह सोचते थे, ऐसी स्थिति में हम लोग फर्श को छोड़ते थे और छत को छोड़ते थे तो हमें चारों दीवालों का क्षेत्रफल मिलता था। वही स्थिति यहाँ पे भी है, हमें दीवाल का ही क्षेत्रफल पता करना है। जब हमने सिलेंडर पढ़ा तो सिलेंडर में भी आपने दीवालों के क्षेत्रफल की बात करी, आधार का क्षेत्रफल मतलब दोनों सर्कल के क्षेत्रफल को आपने छोड़ दिया था, तो वहां पे 2πR, क्योंकि सतह हमारे पास जो हमारा परिधि होती थी सर्कल की 2πR होती थी, उसको हाइट से गुणा किया गया था तो उसका कर्ड सरफेस एरिया प्राप्त हुआ था। अब आपको लगा कि इसका मतलब क्या होगा, हम कैसे πRL आपसे बता दे रहे हैं, इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जो हमारे पास सतह है, पूरी बात को नोटिस करिएगा, ये जो सतह है, सर्कल है, आपको क्लियर होगा, ये सर्कल है। अगर हम सर्कल को कुछ ऐसे नोटिस करें, हम सोच रहे हैं कि पूरी तरह से ऐसे पूरा बना होगा, ऐसे ऐसे पूरा बना होगा, हमने इतना रियलाइज कर लिया। अभी मान के चल रहे यहां पर सर्कल कहीं है, इसको ऐसे सोच लें, हम लोग रियलाइज कर लें, ऐसे कुछ प्रैक्टिकली सोच रहे कि पूरी तरह से सर्कल, यहाँ पे दो बिंदु लिए होंगे, दोनों बिंदुओं से इसको उठाया होगा, तो कुछ इस प्रकार से आप छत, जहां कहीं फर्श पे खड़े हों उस फर्श पे नोटिस कर लीजिए, तो आपको इस स्थिति के बारे में जानकारी हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरी तरह से सर्कल है, आप ऐसे सोचिएगा, ये पूरी तरह से एक सर्कल है, और सर्कल की जो सतह होती है मतलब बाउंड्री होती है, जिसको सर्कल की परिधि कहते हैं, उसको हम 2πR कहते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 2πR होता है। और हमको एक चीज बता दें हम आपको कि अगर जैसे इसकी हाइट की बात करें, इसको हम स्लैंट हाइट या एल कहते हैं, इसको हम स्लैंट हाइट एल कहते हैं। जब मैंने आपको एक समय याद करिएगा, मैंने जब त्रिभुज आपको मतलब वृत्त के अंदर जब मैंने एक त्रिभुज की बात करी थी, तो वृत्त के अंदर त्रिभुज में इसको हम एक वृत्तखंड कहते थे, और इस समय जब इसका क्षेत्रफल मैंने आपसे निकलवाया था, तो याद करिएगा आप लोग, अगर इस चीज को नहीं पढ़े तो आप मेरे पुराने वीडियो को पढ़िएगा, तो वहां पे ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। इस समय इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने इसको आर्क लेंथ बोला था एल, और इसको मैंने त्रिज्या आर बोला था, तो इसका क्षेत्रफल होता था 1/2L × R होता था। सेम स्थिति यहां पर है, मैं भी लिखूंगा 1/2 × 2πR, क्योंकि यहां पे जो परिधि है, जो पूरा आर्क है, तो पूरा का पूरा आर्क, जैसे इसमें तो केवल इतना आर्क लिया जाता था, इसमें तो पूरी आर्क आप ले रहे हैं, मतलब 2πR आप ले रहे हैं। साथ साथ आप L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो L से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कटा तो बचा कितना, πRL। यही आपकी क्या हो जाती है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, जो मैंने फार्मूले के रूप में आपके सामने यहां लिख करके मेंशन कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, जो मैंने इस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो इस चीज को आप जाकर के पुराने वीडियो में कहीं पढ़िएगा, तो आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल मैंने आपको इतने फार्मूले की बात करी, πRL होता है, और πRL होने के लिए मैंने यहां पर आपको बता दिया कि इसका क्षेत्रफल अगर मुझे ज्ञात करना है इस पूरे सर्फेस का, तो सर्फेस का क्षेत्रफल ऐसे रियलाइज कर लीजिए किसी वृत्त के अंदर, जिसमें AL होता है आर्क की लेंथ, और ये आपकी त्रिज्या R होती है, जो वहां पे त्रिज्या की तरह L काम कर रहा है, और पूरी ये वैल्यू हमारी 2πR हो रही है, तो मैंने 1/2 × 2πR × L कर दिया, तो हमें πRL क्या प्राप्त हो रहा है, CSA या कर्ड सरफेस एरिया हमें प्राप्त हो रहा है। कंफर्म हो गया इतना। चलिए अब आप जैसे CSA फाइंड कर लिए, तो फिर पुरानी चीजों को नोटिस करिए और समझने की कोशिश करिए। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट होता भी है TSA। TSA को आप इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया।
अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब, जैसे किसी ने कहा कि मेरा जो तंबू बन चुका है उस तंबू में मैं कपड़े का भी क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, जो फर्श है उसका भी क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, उसने परमानेंट तंबू की बात कर ली, तो पूरे सरफेस एरिया की बात वो कर रहा है। तो पूरे सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था हमेशा कि CSA में आप क्या किया करिए, बेस एरिया को जोड़ दिया करिए, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दिया करिए। CSA आपने निकाल दिया है πRL, CSA आपने निकाला है πRL, साथ साथ आधार की बात करें तो आधार तो पूरी तरह से एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πR स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां से πR कॉमन कर लूं तो हो जाएगा L प्लस R और यही आपका हो जाएगा TSA। टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो गया πR L प्लस R, तो आप यहां पे लिख सकते हैं TSA बराबर πR और L प्लस R। πR और L प्लस R आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास कितना हो गया, πR और L प्लस R हो गया। तो किसी भी शंकु में तीन चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं आप, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया की आवश्यकता भी आपने देखी, और साथ साथ टोटल सरफेस एरिया की भी बात कर सकते हैं जिसको हम लोग πR और L प्लस R बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप शंकु की इन तीन परिस्थितियों को आपने नोटिस किया और समझा। आगे मैं इसके आयतन की बात करूं, जो मैं आपको ऑलरेडी हिंट कर चुका हूं कि आयतन एक्चुअली क्या है, तो आप लोग आयतन को फिर से एक बार सोच लीजिए कि आयतन क्या है। आयतन मतलब अगर शंकुआकार तंबू बना है, शंकुआकार तंबू बना है तो उस तंबू में कितना स्पेस है, उसकी हवा उसके अंदर कितनी है, उसी को तो हम लोग उसका आयतन कहेंगे। तो आयतन भी अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग आयतन के बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं, और आयतन को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं या कैपेसिटी कहते हैं, जैसे मान लीजिए कितनी हवा है तंबू के अंदर, या कितने व्यक्तियों को रखना है, प्रत्येक को कितनी हवा की जरूरत है, उसके हिसाब से तंबू की कैपेसिटी अगर हम ढूंढने लगे, तो मैंने आपको पहले से बताया था कि ये एक तिहाई होता है सिलेंडर के आयतन का, एक तिहाई होता है सिलेंडर के आयतन का, या ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर हम पहले, मैंने वैसे भी आपको आयतन के बारे में पहले से बता रखा है कि आयतन हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होती है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होती है, तो आधार का क्षेत्रफल भैया πR स्क्वायर होता है, आपको क्लियर है, क्योंकि वृत्त है तो πR स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे यज कर दिया πR स्क्वायर, तो ये एक सिलेंडर का क्षेत्रफल आया। ये तब होता जब ऐसे सीधी लाइन होती, ये पूरी तरह से इस प्रकार से बना होता, क्योंकि इसने दो तिहाई हिस्से को काट के निकाल दिया है, इसलिए केवल एक तिहाई हिस्सा हमारे सामने बच रहा है, यही आपका आयतन हो जाएगा, और ये आपका आयतन किसी शंकु का बन रहा है, 1/3 πR स्क्वायर यज बन रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह से आपको समस्या होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, तो मेरे ख्याल से चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो आपने तीनों फार्मूले देख लिए शंकु के, आपने उसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, आपने उसका कर्व सरफेस एरिया, आपने उसका टोटल सरफेस एरिया, इन हर बातों को आपने नोटिस किया और समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे बढ़ करके हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल इसमें करने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा, एक छोटा सा प्रश्न हम उठाएं, मान लीजिए एक शंकुआकार कैप है, जैसे कौन मतलब आप देख सकते हैं एक जोकर की कैप है, सपोज करिए जोकर की कैप को बनाने के लिए हमें जितनी कैपेसिटी की, जितनी की जरूरत थी, एक कैप हमने इस तरह से प्लान करने को सोचा। देखिए कई तरह के प्रश्न इसमें आप बना सकते हैं। उसने कहा कैप बनाने के लिए जो आधार की त्रिज्या आपकी होगी वो 7 सेंटीमीटर की जरूरत है, जबकि उसने हमसे कहा, देखिए ध्यान से, त्रिज्या हमसे बोला 7 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, जबकि उसकी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, वर्टिकल हाइट 24 सेंटीमीटर की जरूरत है। उसने हमसे कहा लंबवत ऊंचाई 24 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, तो अब देखिए इसमें कई तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अब आपको ऊंचाई दे रखा है 24। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे ए कहा, ओ कहा, बी कहा, इस प्रकार से हमारे पास, इसको ओ कहा, इसको बी बोल दीजिए, इसको आप सी बोल दीजिए। एक शंकुआकार जोकर की कैप बनानी थी, जोकर की गैप को बनाने के लिए आपको आवश्यकता थी उसके त्रिज्या के आधार की, जो कि 7 सेंटीमीटर थी, जबकि अगर हम बात करें उसकी ऊंचाई की, लंबवत ऊंचाई आपके पास 24 सेंटीमीटर थी। तो उसने हमसे पूछा, सबसे पहले देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे हम स्लैंट हाइट की बात करें तो स्लैंट हाइट अंडर रूट क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आप सबको क्लियर होगा, 24 का भैया 576 होता है, और 576 में अगर मैं 49 जोड़ दूंगा तो 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर होता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेंटीमीटर हमने इसकी स्लैंट हाइट बता दी, चल 25 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ने हमसे पूछा कि बताइए उसको बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी ये मुझे अगर बताना है, तो हम लोग देखिए कपड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर में, कपड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपसे दर दे करके कपड़े का कास्ट भी पूछ सकता है। अगर हमको दे दिया कि 5 रुपए या 100 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कपड़ा मिल रहा है, तो पूरा कास्ट बताइए कपड़े को जो आप खरीद रहे हैं, यहाँ पे तो फिलहाल सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में दर दे करके हमसे पूछ सकता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में हमसे पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करी,
आप पूरी बात समझाता हूं आपको। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा, ये आपसे कहेगा इस शंकु को बनाने के लिए लगे कपड़े का क्षेत्रफल, लगे कपड़े का क्षेत्रफल। अब आपसे चाहे कपड़े का क्षेत्रफल पूछे, चाहे आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, जो भी आपसे पूछे, आप तुरंत कह दीजिएगा पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर और एल होता है। तो पाई को तो हम पाई मतलब 22 बटा 7 ही लिखते हैं, आप सबको क्लियर होगा। आर मतलब 7 था और एल अभी अभी आपने निकाला 25, एल आपने निकाला 25, तो आप 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो जो आएगा आपके पास, जैसे 22 पंचे 110 कैरी 11 होता है, 22 दुना 44 11 55 होता है, 22 दुना 44 11 55 होता है। तो आपको समझ में आ गया 550 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता थी, सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता थी। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, जैसे अगर मैंने गुणा किया तो 22 पंचे 110 कैरी 11 22 दुना 44 11 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता थी। अगर मान लीजिए मुझे इसी तरह के 10 टोपियां बनानी थी, मान लीजिए मुझे इसी तरह की 10 टोपियां बनानी हो, तो मुझे कुल कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा? इसके लिए आप 10 से गुणा कर देंगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कितना कपड़ा खरीदना होगा। मान लीजिए आप जिस कपड़े को खरीद रहे थे, आप 10 से गुणा करके टोटल कपड़े की हाइट लेंथ पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कहा जाए कि जिस कपड़े को आप खरीद रहे थे उसकी जो ब्रेथ थी, मतलब जो चौड़ाई थी, जो ब्रेथ थी, अगर सपोज किया जाए कि उसकी ब्रेथ 10 सेंटीमीटर की थी, हमसे बोला गया कि ब्रेथ 10 सेंटीमीटर की थी चौड़ाई, तो उसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ कितनी होगी। जैसे आप कभी सोचिए, जब आप कभी जो है बनाने के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े की चौड़ाई फिक्स होती है, लंबाई आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदनी होती, क्योंकि जो कपड़ा परचेज करते हैं वो कपड़ा एक आयत होता है। अगर आप सोचिए तो फिक्स चौड़ाई है, लंबाई आप जैसे थान में ऐसे लपेट करके दुकानदार रखता है, जितनी लंबाई की आवश्यकता होती है उतनी लंबाई की काट लिया जाता है, पूछा नहीं जाता चौड़ाई कितनी लेनी है। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं कि हमको इतना चौड़ा इतना लंबा चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे इतने लंबा कपड़ा चाहिए, दर्जी ने मुझे इतने लंबे कपड़े को परचेज करने के लिए कहा है, क्योंकि उसे पता है कि चौड़ाई उसकी कितनी है, फिक्स है। जैसे मान लीजिए हम तंबू को बनाने, यहाँ पे इस टोपी को बनाना था, जो भी बनाना था, मान लीजिए सेंटीमीटर की बजाय मीटर में होता, कुछ भी होता, कैसे भी स्थिति होती, तो आपसे कहा जाता कि हमें, जैसे सपोज करिए कि 10 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा था, तो मुझे कितना लंबा कपड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया आ चुका है 550, और एरिया किसके बराबर होता है, अगर कपड़े की बात करो तो कपड़ा तो आयत बनेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता, और ऐसी स्थिति में अगर हमें लंबाई ज्ञात करना पड़ता तो मैं 550 को 10 से डिवाइड करता तो 55 सेंटीमीटर मुझे लंबा कपड़ा लेना होता, 55 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा लेना होता। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बना करते हैं, मतलब आपसे कपड़े की लेंथ पूछ सकता है, आपसे टोटल एरिया पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अगर हमें ऐसे 10 बनवाने हैं, 25 बनवाने हैं, तो उसके लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, आपको कुछ रेट दे करके आपसे कपड़े का मूल्य पूछ सकता है। तो मतलब जहां जहां कपड़े की बात होगी शंकु के, वहां वहां आपको कर्व सर्फेस एरिया ही अप्लाई करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही अप्लाई करना है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया कि ये शंकु बनी, अब ये सेंटीमीटर भले है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये मीटर भी हो सकता था, कोई जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर ही हो। मान लीजिए हमसे बोला गया कि यहां पे अगर ये जैसे शंकु है, जब मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया बता दिया, अब मुझे किसी ने कहा इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की आवश्यकता भी आप समझ सकते हैं कि कहां कहां पड़ती है, जहां पे फर्श के क्षेत्रफल की भी आवश्यकता है, फर्श पे भी कुछ कराना है। सपोज करिए कोई ऐसा स्टीकर है जो स्टीकर आप उसके पूरे दीवार पे भी लगवाना चाहते हैं और पूरे फर्श पे भी लगवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको टोटल सर्फेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल सर्फेस एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, दो तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो फार्मूला मैंने जो पढ़ाया है पाई आर एल प्लस आर लगा सकते हैं, या आप कहेंगे जब मैंने इसको निकाल ही दिया है तो मुझे और जरूरत क्या है, तो मैं सिंपल सा ना करूं कि 550 में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दूं। तो पाई आर स्क्वायर कहीं पे निकाल के रख लीजिए, 22 बटा 7 गुड़े आर स्क्वायर, आर मतलब 7 गुड़े 7, 7 7 से कटा 154 होगा, 154 को इसमें जोड़ दीजिए तो आपके पास हो जाएगा, देखिए 4 हो गया, 5 5 10 और 5 1 6 7, 704 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास या स्क्वायर आपके पास टोटल सरफेस एरिया होगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें इन केस निकालना हुआ तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहां पे आपको क्या करना था, आपको समझ में आया कि जैसे अगर मुझे कोई स्टीकर ऐसा लगवाना था जिस स्टीकर को लेने के लिए मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले में 5 रुपए देना पड़ता था, मुझसे पूछा गया कि उस स्टीकर को लगवाने का कुल खर्च कितना आया, इसके लिए आपको पता है स्टीकर आप उसको पूरे दीवार पे भी लगवा रहे थे और फर्श पे भी लगवा रहे थे, ऐसी स्थिति में आपको टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, और ये आ चुका है, अब 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल खर्च पता चल जाएगा। अब तीसरी स्थिति हमारे सामने, उस शंकुआकार तंबू में अब बैठने की व्यवस्था हमको करानी है,
या अभी तो इसको हम टोपी ही मान रहे थे, लेकिन आप शंक्वाकार तंबू को हम लोग सोच सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं लेंथ ब्रेथ को। तो आप समझिए बैठने की व्यवस्था करने के लिए आपको उसके आयतन की जरूरत पड़ती है। आपको बैठने की व्यवस्था के लिए हवा पता करना पड़ेगा कितनी हवा की कैपेसिटी है। एक व्यक्ति को अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है पर्सनल एक व्यक्ति को, तो कितने व्यक्ति बैठाए जा सकते हैं? ऐसी स्थिति आ सकती है डायरेक्टली आपसे कोन का आयतन ही पूछ लिया। सपोज करिए हमसे केवल आयतन पूछ लिया, तो हम सबको पता है आयतन का सिस्टम क्या है, 1/3 πr²h है। तो हम इसको फार्मूले पर रखें, 1/3 × 22/7 × r², r मतलब कितना 7 × 7 × h, h कितना है बताइए 24, 7 × 7 से कटा 3 × 8 = 24, 7 × 8 = 56 या 22 से इसको गुणा कर दीजिए, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 17, 176 × 7, 7 × 42 होता है, 7 × 7 = 49, 49 × 4 = 53 कैरी 5 होता है, 7 × 1 = 5 = 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब की आवश्यकता थी। 1232 सेंटीमीटर क्यूब की कैपेसिटी है उसकी, उस शंक्वाकार तंबू की। अगर सेंटीमीटर क्यूब में ना होकर के मीटर क्यूब में होता और हमसे कहा जाता एक व्यक्ति को 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर क्यूब की आवश्यकता है, तो बताइए उस कमरे में कितने व्यक्ति बैठाए जा सकते हैं? तो आप इसी को बस 8 से डिवाइड कर देते, हमें पता चल जाता 8 × 1 = 8, 4 × 8 = 4, 3 × 8 = 45, 8 × 4 = 32, 154 व्यक्ति उस कमरे में बैठाए जा सकते थे जिनको 8 मीटर क्यूब की आवश्यकता होती एक व्यक्ति को बैठने पर। तो ऐसे कुल 154 व्यक्ति को उस कमरे में बैठाए जा सकते थे जिस कमरे की यहाँ पे लंबाई 7 मतलब उसकी त्रिज्या 7 दी गई थी और ऊंचाई आपकी 24 दी गई थी। इस प्रकार से आप शंकु को बेसिक, शंकु का बेसिक आपने समझा और सीखा। अब शंकु के जो बेसिक के बाद शंकु का एडवांस कॉन्सेप्ट होगा जिसमें आपको शंकु से संबंधित हम फ्रैक्टम को बताएंगे। तो आज आपने केवल पार्ट वन पढ़ा है जिसमें मैंने बेसिक शंकु को आपके सामने एक्सप्लेन किया है, बेसिक शंकु को आपको समझाया है। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आप ये टॉपिक अच्छे से सीख गए होंगे। कल जब हम आएंगे तो हम फ्रैक्टम को डिस्कस करेंगे और फ्रैक्टम आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कल की क्लास आप लोग नोटिस करिएगा। और आज की क्लास को भी अच्छे से सीखने के लिए आप पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखिए जिससे कि आपको बेहतर तरीके से इन सब चीजों पर कमांड हो पाए। चलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल से नए टॉपिक के साथ।